स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में, जहां हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्स से जिसकी जिंदगी की स्ट्रगल से हर एक इंसान रिलेट कर पाएगा। तो बिना किसी देरी के बुलाते हैं सताई अरोड़ा को। वेलकम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वैसे सबसे पहला सवाल तो यही है सताई कि क्यों है आपके नाम में इतनी गहराई? मेरे माँ बाप ने तो मेरा नाम शहजादी रखा था, पर वो उसको मेंटेन करने के लिए वैसा ट्रीटमेंट नहीं दे पाए मुझे। ओ अच्छा। मुझे ऐसा लगता है किसी भी इंसान और चीज की वाइब ना उसके नाम से मैच करनी चाहिए। जैसे चखना, चखना नाम ही जस्टिफाई कर रहा ना कि थोड़ा थोड़ा चखना है। अगर चखने का नाम दारू हो जाता तो प्रॉब्लम हो जाती ना। ऐसे ही ना मेरी कंडीशंस को देख के मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरा नाम सताई होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सताई हुई थी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इतनी छोटी उम्र में सताई गई थी? पैसों की किल्लत थी या फिर? पैसे की तो बात ही ना करो, पैसे को देख के तो बड़े बड़े बेईमान हो जाते हैं। अब मेरी मम्मी को ही देख लो, रिश्तेदार जो पैसे मुझे देके जाते थे मेरी मम्मी सबके सब हड़प लेती थी, और आज तक मुझे पूरे पैसे वापस नहीं मिले। तो लगभग कितना एक अमाउंट होगा वो? अगर हिसाब लगा के देखूं तो यही कुछ 9,862 रुपए। ओ अच्छा, तो आपने कभी मांगे नहीं? मन तो बहुत किया पर मेरे संस्कारों ने मुझे रोक दिया। वाह सताई वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। वरना सोचो, अगर उस टाइम मुझे वो पैसे मिल गए होते तो मैं उसका बिटकॉइन खरीदती और मैं आज आपके सामने बैठ के यहाँ पे टाइम पास थोड़ी कर रही होती। इफ यू नो यू नो। कितनी अमीर होती मैं। सताई, इन बातों में कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग बताओ जिससे ऑडियंस को भी मजा आए और मुझे व्यूज आए। जो मैंने अपनी जिंदगी में फेस किया है ना, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हाँ हाँ, यही चाहिए बोलो। मेरी आंखों के सामने मेरा घर लुट रहा था और मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही थी। एक एक सामान जा रहा था और मैं मजबूर थी। तो उस वक्त आप अकेली थी? नहीं, मेरे घर वाले भी थे वहाँ पे। तो उन्होंने कुछ किया नहीं? मेरे पापा और दादी खुद उन लुटेरों के साथ मिले हुए थे। पर खुद का घर कोई कैसे लुटा सकता है? इतने सालों से लुटाते ही तो आ रहे। मेरे पापा पे तो ना वशीकरण कर रखा है जैसे उन लुटेरों ने, वो खुद उठा उठा के सामान दे रहे थे। और आपकी मम्मी? मम्मी तो खुद पीड़ित है उन लुटेरों की माँ से। लुटेरों की माँ? अरे मेरी बुआ। ओ आपकी बुआ। मेरी बुआ पहले मेरी मम्मी का सामान लूट लूट के जाती थी, फिर उनके बच्चे मेरा सामान लूट के जाने लगे। मेरे अंदर ना एक बदले की आग है जिसको मैं धीरे धीरे करके पूरा कर रही हूँ। वो कैसे? जब उनके घर जाती हूँ ना तो कोल्ड ड्रिंक पीते पीते कांच का ग्लास जान के गिरा के तोड़ देती हूँ, और डिनर सेट जो वो हमारे घर से ही हड़प के लाई थी उसकी 2 प्लेटें भी चुरा ली। आपको नहीं लगता ये सब करके आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? ले फर्क तो है ही, वो हराम का लेके जाती है और मैं अपने ही घर का वापस लेके जा रही हूँ। इफ यू डोंट माइंड, मैं थोड़ा डीप घुसना चाहूंगा, आपके घर वालों का क्या कहना है इस पे? पापा को तो मैं बताती नहीं, पर मम्मी को अब मुझ पे प्राउड फील होने लगा है। अच्छा, तो मतलब आप अपनी मम्मी की लाडली हो? वैसे मैं अपनी मम्मी की इकलौती शहजादी हुआ करती थी। एक मिनट, थी से क्या मतलब है आपका? अब नहीं हूँ। बताती हूँ, अपने चाचा मामा बुआ मासी सबकी लाडली थी मैं। मतलब कोई पार्क ले जा रहा है, कोई चॉकलेट दिला रहा है, दादा दादी खर्चियां लुटा रहे हैं, मेरी माँ के बच्चे की धूम ही धूम, मेरे तो मजे ही मजे। फिर तो आपका बचपन बहुत रंगीन रहा होगा। बस एक रात लगती है आपकी रंगीन जिंदगी बेरंग होने में। क्या मतलब है आपका? एक रात मैं अपने दादा दादी के साथ सोई, सोचो क्या हुआ, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मेरा चैन, मेरी खुशियाँ सब छिन गया मुझसे। वो कैसे? पता नहीं क्यों सब मेरी मम्मी को इतनी अटेंशन देने लगे थे। मैंने नोटिस किया कि मेरी मम्मी दिन ब दिन मोटी होती जा रही है, उनका पेट ना गुब्बारे जैसा फूल रहा था। तो मैंने एक बार जाके पूछ लिया कि मम्मी क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बताया कि बेटा तुम बहन बनने वाली हो। भाई मेरी खुशी ऐसे नेक्स्ट लेवल थी, कोई ठिकाना ही नहीं था उसका। पर शायद वो आखिरी बार था जब मैं इतना खुश हुई थी। खुश होना तो बनता ही है, खुशी की बात जो है। मेरा छोटा भाई आ गया और सब बदल गया। सब बदल गया? वो कैसे? अगर वो रोता था तो सब उसको चुप कराते थे, और अगर मैं रो तो बोलते थे इतनी बड़ी हो गई है रो क्यों रही है। अब आप बताओ कि 4 साल की उम्र में कोई बड़ा कैसे हो सकता है। बात तो ठीक कह रहे हो। वो तो छोड़ो, मेरी माँ जिसके साथ मैं चिपक के सोती थी, उन्होंने मेरी जगह के साथ साथ मेरे झूले, कपड़े, वाटर बॉटल सब मेरे भाई को दे दिया। लेकिन आप दूसरा एंगल भी तो देखो कि आपकी प्रमोशन हो गई, आप सीनियर बन गए, तो आपको खुशी होनी चाहिए ना। सीनियरिटी की खुशी तब होती है सर जब आपको इंक्रीमेंट मिले, पर मेरे तो बेसिक पैकेज से कटौती हो रही थी, और ना इन सब चीजों की वजह से ना मेरा स्कूल जाने का मन नहीं करता था। तो फिर आपने स्कूल जाना छोड़ दिया? अरे नहीं, फिर मैंने जुगाड़ लगाने स्टार्ट किए। जुगाड़? साउंड्स इंटरेस्टिंग। आप सोच भी नहीं सकते मैंने कितने ड्रामे और साजिशें की हैं बचने के लिए। बच्चों का खेल नहीं है, मगरमच्छ के आंसू बहा के अपनी हिटलर जैसी मम्मी को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था, पर मजे भी बहुत आते थे। किस टाइप के ड्रामे और साजिशें करते थे आप? वही स्कूल नहीं जाने के। मेरी मम्मी रोज सुबह 6 बजे मुझे उठा के वही बोरिंग स्कूल ड्रेस पहना के उस जेल में भेज देती थी। मैं तंग हो गई थी अपनी उस दिनचर्या से, तो फिर मैंने अपना दिमाग लगाया और खेल खेलना स्टार्ट किया। अच्छा, तो मतलब अब आप अपनी मम्मी के साथ खेलती हो? अरे नहीं, रोज सुबह अपना पेट पकड़ के बैठ जाती थी,
और स्कूल जाते ही रोने लगती थी और बहाना पेट दर्द का बताती थी। ओ वाओ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, इसको तो कोई झूठ भी नहीं समझ सकता। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा बहाना नहीं है। इस एक बहाने की वजह से मुझे दाल और खिचड़ी खानी पड़ती थी। फिर मैंने नया जुगाड़ लगाया, अपने इस पेट के दर्द को सिर के दर्द में शिफ्ट मार दिया। अब ना मुझे खिचड़ी खानी पड़ती थी और ना स्कूल जाना पड़ता था, बस बेड पे पड़े रहो और आराम से मजे मारो। दिमाग तो बहुत है आपके अंदर। फिर तो मम्मी पापा आपकी अच्छे से खातिरदारी करते होंगे। काफी अच्छे से तो नहीं, पर जितनी जरूरत होती थी उतना ही। तो फिर आपके ड्रामे कब तक चले? मैंने ज्यादा दिन तक नहीं किए ड्रामे, क्योंकि मेरी क्लास में ना अंजलि आई और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई और मेरा स्कूल जाने का मन करने लगा। चलो फाइनली आपको अच्छी दोस्त मिली, सुन के अच्छा लगा। नहीं, ये खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं रही। अंजलि ने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। वो अपने बर्थडे पे टॉफियां बांटने के लिए मुझे छोड़ के रिया को लेके गई। मतलब हमारे साथ में बताए और सारे पल उसने यूं चुटकी में बुला दिए और रिया उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई। सताई, मुझे बुरा लगा ये सुनकर। ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने अगर आपको अपने और चाइल्डहुड ट्रॉमास बताए ना तो आपका तो दिमाग ही हिल जाएगा। एक बार मैं ना मेरा फेवरेट एपिसोड देख रही थी शिनचैन का, मेरी मम्मी आई और टक से टीवी बंद कर दिया। मैं तो अंदर से टूट ही गई थी। अब कोई कैसे कर सकता है अपनी औलाद के साथ ऐसा? इतनी छोटी सी उम्र में इतने सारे हार्ट ब्रेक्स, मैं तो ना सहता। अरे और सुनो आप, मैंने जो टॉर्चर सहन किया ना, कोई और बच्चा होता ना तो पक्का चाइल्ड हेल्पलाइन पे कॉल कर दिया होता। ये बात है जून की तपती गर्मियों वाली छुट्टियों की। सारे बच्चे घूमने के लिए शिमला, मनाली, कश्मीर गए हुए थे। मैं वही घर पे सड़ रही थी तो एकदम से पता क्या हुआ, आइसक्रीम वाला आया। मेरे मन में खुशी की एकदम ठंडी लहर आई और मैं मम्मी पास गई। मैंने कहा, मम्मी 20 रुपए दे दो प्लीज। मम्मी कहती, गला खराब हो जाएगा। बस उस गर्मी में ना मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। मतलब मेरे से इतने पैसे हड़प जाने के बाद मेरी मम्मी उसमें से 20 रुपए नहीं निकाल पाई। मैं ना चाहते हुए भी ना डिप्रेस हो गई थी। डिप्रेशन रियल है यार, तो आप इन सदमों से बाहर कैसे निकली? अरे हालातों ने सिखा दिया जी। पहले तो मेरे साथ कोई भी बुरा करके चला जाता था, पर फिर मैंने ठान लिया कि अपने हक के लिए लड़ूंगी। जैसे कि? जैसे स्कूटी चाहिए थी ट्यूशन जाने के लिए, सब बच्चे स्कूटी पे आते थे और मैं बेचारी साइकिल पे जाती थी। घर वालों को इतना बोला कि स्कूटी दिलवा दो, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। पता नहीं आजकल के माँ बाप अपने बच्चे की एक डिमांड पे उसे चीज कैसे दिला देते, पता नहीं फील कैसे आती है उनको माँ बाप होने की। ठीक कह रहे हो, आजकल के माँ बाप में वो बात नहीं। बच्चे को टॉर्चर करो, उसको 100 बार ना करो, जब तक वो गिड़गिड़ाए नहीं ना, उसको वो चीज ना दिलाओ, तब कहलाओगे असली देसी माँ बाप। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे घर वालों ने भी स्कूटी की डिमांड पे ऐसे ही किया था, तो फिर मैं भी आ गई अपनी वाली पे। न जाने कितने इगड़म तिगड़म लगाए मैंने एक स्कूटी को पाने के लिए। इगड़म तिगड़म, साउंड्स इंटरेस्टिंग, बताएंगे थोड़ा इसके बारे में? मैंने खाना पीना छोड़ दिया कि स्कूटी दिलाओ फिर खाना स्टार्ट करूंगी। नहीं माने, फिर कब तक जिंदा रहती? तो मैंने क्या किया कि साइकिल के टायर पंचर करने शुरू कर दिए अपने। फिर भी नहीं माने, साइकिल में कमियां निकाली। नहीं माने, फिर मैंने ट्यूशन में ही कमी निकाल दी और दूर वाली ट्यूशन ली। अब उस ट्यूशन में मैं पैदल चल के जाती थी इतनी धूप में, और एक बार मैं चक्कर खा के बेहोश होके गिर गई। गर्मी में पैदल, फिर तो तरस आ ही गया होगा उनको। तरस नहीं आया, ये तो मैं आ गई। कहाँ? अरे अखबार में कि कड़ी धूप में पैदल चल के ट्यूशन जाते बेहोश हुई छात्रा। मतलब बचपन से आप लाइमलाइट में रही हो। तब जाके शर्म आई उनको और दिला दी स्कूटी, बट इतनी लंबी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। कौन सी कंडीशंस? अरे ऐसी कंडीशंस थी जिनको पूरा करते टाइम मुझे लगा कि स्कूटी ना ही मिलती ना तो ही अच्छा होता। मैं ट्यूशन से जैसे ही वापस आती थी ना, चाबी ले लेते थे, और कभी गलती से लेट हो जाऊं तो स्कूटी की किलोमीटर चेक करते थे। फिर मैंने हाथ जोड़े और बोला, आपकी स्कूटी आप ही रखो। उसके बाद मैं पैदल ही जाने लगी, मैंने नहीं हाथ लगाया उनकी स्कूटी को कभी। मतलब आपकी पूरी जिंदगी किसी स्ट्रगल से कम नहीं रही? अरे बिल्कुल, स्ट्रगल तो बर-बर के थी और साथ में कॉम्पिटिशन भी, जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। वो कैसे? कॉम्पिटिटिव तो मेरी मम्मी थी, उनका कॉम्पिटिशन ना बुआ के साथ रहता था। बुआ एक सूट लेती थी तो वो 4 लेती थी, और देखते देखते वो कॉम्पिटिशन पता नहीं कब मुझ पे आ गया, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ। मेरी मम्मी ने मुझे बुआ के बच्चों के साथ पीसना शुरू कर दिया। अगर वो 100 नंबर लेके आते थे ना, तो मेरी मम्मी मुझसे 101 की डिमांड करती थी, और एक बार तो कमाल ही हो गया। बुआ के बेटे ने एक बंदे को स्कूटी से उड़ा दिया, तो मेरी मम्मी ने मुझे स्कूटी की चाबी दी और बोलती, जा 4 बंदे उड़ाने से पहले घर लौट के ना ही हो, विजयी भाओ। बहुत अच्छा लगा सताई आपसे मिलके और आपकी बहादुरी के किस्सों को जान के। आप अपने फेलो एज ग्रुप के लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? हाँ, मैसेज तो यही है कि मेहनत करो, अपने हक के लिए लड़ो, अपनी सक्सेस से अपने बुआ के बच्चों को और बुआ को जिलाओ, और जो तुम्हारा है ना वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे वो तुम्हारे बुआ के बच्चे क्यों ना हो। बिल्कुल, थैंक यू सताई, थैंक यू सो मच।
तो दोस्तों हर दूसरे वेले पॉडकास्ट की तरह हम लेके आए एक वेले इंसान की वेली स्टोरी को, जिसको देख करके आप जैसे वेले इंसान का टाइम पास हुआ होगा और कहीं ना कहीं आपने उसकी जिंदगी की स्ट्रगल से रिलेट तो डेफिनेटली किया होगा। तो इस स्टोरी पे आपके क्या विचार है कॉमेंट्स में लिखना नहीं भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लाइक कर दीजिएगा और अपनी सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दीजिएगा। थैंक यू। यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता है यार।